मेरा हाथ शेक कर रहा है, वो फिर से देखा, आंखों में आंखें डाल के देख रहा है। हेलो व्हाट्स एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। और चार दिन बाकी है गाइस, चार दिन भाई, तो सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी, बहुत सही कंटेंट आने वाला है। तो हाँ, आज हमारा लेग डे और आज हम न्यू टेक्निक यूज़ करने वाले हैं, लाइक प्री एग्जर्शन का यूज़ करने वाला हूँ मैं, क्योंकि मुझे मेरा टाइम बचाना है। लाइक प्री एग्जर्शन से क्या होता है, मैं कॉर्ड एक्सटेंशन करूँगा और तुरंत ही सुपर सेट की तरह लेग प्रेस करने चला जाऊँगा। तो वो दोनों का सेट, फिर 3 to 5 मिनट रेस्ट, फिर दूसरा सेट, तीसरा सेट, ऐसे तीन सेट मेरा जल्दी जल्दी मतलब 20 मिनट्स के अंदर ख़त्म हो सकते हैं। तो मैं जितना भी टाइम सेव कर सकूँ ना, उतने करने का ट्राई कर रहा है, क्योंकि 10 मिनट भी मेरे सेव होना तो 10 मिनट में जल्दी सो सकता हूँ। मैं बहुत लेट सोता हूँ तो 6 घंटे की नींद मेरी पूरी होती है सुबह, क्योंकि जॉब जाना होता है। तो हाँ, टाइम सेव करने के लिए मैं प्री एग्जर्शन कर रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं। इससे क्या फ़ायदा होता है, क्या होता है कि नहीं, ज़्यादा मूवमेंट आते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस टाइम बचाने के लिए, क्योंकि ग्रो तो होने वाला है इससे। और दूसरी एक्सरसाइज सेम ही रहेगी, लाइक हैमस्ट्रिंग कर्ल्स और RDL और काफ रेजेस, बस। तो जल्दी ख़त्म करेंगे, लेट्स गो। और हाँ, आज हम लोग स्मिथ मशीन पे, लाइक पहले मैं कैसे करता, नॉर्मल स्क्वाट करने का ट्राई करता हूँ, देखो तो हाफ आके 90 डिग्री आके वापस ऊपर करने का ट्राई करता हूँ। आज हम ट्राई करेंगे, हम ऑल द वे नीचे जाए और ऊपर आने का, सेम वेट 90 kgs ही रहेगा, पूरा नीचे जाके एकदम मतलब मेरे पूरा नी बैंड होने चाहिए, हो जाना चाहिए, ऐसा ट्राई करेंगे। तो देखते हैं कैसा होता है। और मैं लग दे के दिन 1.5 स्कूप ऑफ प्री वर्कआउट लेता हूँ, क्योंकि ऐसा है, हर रोज़ 1 स्कूप लेता हूँ, क्योंकि लग दे के दिन थोड़ा ज़्यादा पुश करना होता है, तो 1.5। तो लेट्स गो। लेग डे का सबसे हार्डेस्ट काम मुझे क्या लगता है पता है, ये नी पैस चढ़ाना। सारी एक्सरसाइज हो जाती है, ये चढ़ाने में जो तकलीफ होती है भाई, हाथ से पूरा नीचे खुदा के, इतना टाइट है भाई। बट हाँ, बिल्कुल एक सेट एकदम पॉज के साथ लेंगे और फिर प्री एग्जर्शन पे जाएंगे। लेट्स गो। एक्सरसाइजेस हाईली क्वाड एक्टिवेशन, बहुत मज़ा आया, फट गए पर। आई थिंक 80 kg डाला था, 90 नहीं डाला, अच्छा हुआ नहीं डाला, फट जाती हूँ मैं लास्ट में जो ऊपर आने में फटे। लेट्स गो फॉर प्री एक्सरसाइज। पहले लेग प्रेस में बराबर हो जाएगा, तो मैं वेट बढ़ाने का नहीं सोच रहा हूँ, कि बढ़ा तो 5 kg से कुछ नहीं होगा, बढ़ा देते हैं, कोई नहीं, 2.5 डाल देते हैं। लेट्स गो। और क्वाड एक्सटेंशन तो एक रह गए थे, तो वही रहेगा।
पोजिशन आँखों के, लाइक लास्ट सेट जो लेग प्रेस का मारा ना वो मैं बियॉन्ड फेलियर गया, क्योंकि ओम को मैंने बुला के रखा था, मेरे को पता था इसमें कुछ तो होगा, उसकी वजह से ज़्यादा पुश किया क्योंकि पता था कि एक सपोर्ट में है कोई। जो लास्ट रेप मैंने 11वां लिया ना, पीछे आते ही मेरे क्वाड्स ख़त्म हो चुके थे, मतलब फर्स्ट टाइम लेग प्रेस में क्वाड्स ने हार मान ली, बट वो एक्सपीरियंस बहुत सही था। अंधेरा छा गया था भाई, जैसे ख़त्म हुआ ना मैं एक साइड पे जाके लेट गया पूरा फ्लैट, बट या बहुत सही गया, एंगेज सही हुए हैं, बट ये हमारे लिए नहीं है, हम लोग नॉर्मल मेथड से ही जाएंगे क्योंकि इससे बाकी की एक्सरसाइज के लिए एनर्जी नहीं रहती, नहीं तो मैंने स्प्लिट चेंज करना पड़ेगा फिर, बट टाइम बचता है, बहुत सारा टाइम बचा है, लाइक दोनों एक्सरसाइज करने में मेरे को 40 मिनट्स के आसपास होते थे, 20 मिनट्स में दोनों ख़त्म हो गए थे, थकावट अभी भी है, दो लेग लेग कल्स के दो सेट ख़त्म हुए हैं, एक बाकी है, देन वी गो फॉर आरडीएल एंड सीटेड काफ रेजेस, लेट्स गो। आरडीएल भी ख़त्म हो गया, आज लेग कर्ल्स में 12 में, मतलब नेक्स्ट टाइम ग्रेजुएट करना 65 पे, ओके तो दिस वॉज गुड, लेट्स गो फॉर कॉन्फ्रेंसिस क्योंकि एप्स भी करने इसके बाद भाई, ये कैलरी मुझे मोटिवेशन इतना मिल रहा है ना, लाइक मैं एक डेफिसिट में खा के भी इतना हार्ड पुश कर रहा हूँ, देखो मेरी कैलरी सरप्लस में जाऊँगा या तो मेंटेनेंस कैलरी पे जाऊँगा, मेन गेनिंग प्रोसेस रहूँगा तब कितना पुश करूँगा, ये थिंक करके मेरे को इतना कॉन्फिडेंस मिल रहा है ना फुल।